दोस्तों आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं वीवो V20 के कैमरा सेटिंग के बारे में। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाली है। काफ़ी लोगों का जो कैमरा सेटिंग हो रहा है वीवो V20 का वो डिसमिस हो रहा है, तो इस वीडियो को देखने के बाद अपने कैमरा सेटिंग को आप दुरुस्त कर सकेंगे। और साथ में अगर आपका कुछ रिस्पॉन्स अच्छा नहीं आ रहा है, आपके कैमरे क्वालिटी अच्छी नहीं आ रही है, तो इस वीडियो के जरिए आप अपने कैमरे क्वालिटी को बेहतर बना सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये बताने वाला हूँ वीवो V20 में, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया। चैनल को सब्सक्राइब न किया हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो हमेशा मिल सके। तो सबसे पहले मैं दोस्तों आपको कैमरा ऑन करके दिखाने वाला हूँ कि क्या क्वालिटी आ रही है हमारी। यहाँ पर आपको इस प्रकार के कुछ इंटरफेस देखने को मिल जाते हैं। सबसे पहले आपको बताना चाहता हूँ सेटिंग में जाकर आपको क्या क्या करना है, क्योंकि सेटिंग में जाएंगे तभी आपको कुछ यहाँ पर रिस्पॉन्स देखने को मिलने वाला है। गाइस सबसे पहले आपको सेटिंग में क्लिक करना है। सेटिंग में क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर लोकेशन का एक ऑप्शन मिल जाता है, उसके बाद मिरर्ड सेल्फी का ऑप्शन मिल जाता है, उसके बाद मोशन ऑटो फोकस का ऑप्शन मिल जाता है, उसके बाद काउंटडाउन। काफ़ी लोग नहीं समझ पाते हैं काउंटडाउन क्या है। काउंटडाउन का मतलब होता है जैसे कि आप अपना फ़ोटो क्लिक करते समय कोई समय सेट करना चाहते हैं, या आपके पास कोई व्यक्ति ना हो, आप अकेले ही सेल्फी ले रहे हैं कहीं स्टैंड पर लगाकर, तो आप टाइम सेट कर सकते हैं। उस टाइम के अनुसार, उस टाइम के निर्धारित समय पर ही आपकी फ़ोटो क्लिक होगी। आप अच्छे से जब मोशन पे खड़े हो जाएंगे तो आप तुरंत वहां पर क्लिक करके टाइम के जरिए अपने फ़ोटो को क्लिक कर सकते हैं। और यहां पर फ्रेमिंग लेंस ऑप्शन दिया गया है। फ्रेमिंग आपका बना हुआ रहेगा, जो लाइन्स आप स्क्वायर में देखते हैं कैमरा में, वह आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। पोर्ट्रेट फ्रेमिंग, यहाँ पर आपको पोर्ट्रेट का भी ऑप्शन मिल जाता है, मतलब कि आपको ब्लर टाइप का ऑप्शन दिखता है जो बैक में, वो यहाँ से आप सेट कर सकते हैं। ऑल स्किन रिकॉग्निशन, यहाँ पर आप अपने रिकॉग्निशन को सिलेक्ट कर सकते हैं। शटर का भी ऑप्शन दिया गया है कि आप अपने फ़ोटो क्लिक करते समय शटर को ऑन करना चाहते हैं, मतलब कि जो साउंड रहता है शटरिंग का, उसको ऑन करना चाहते हैं कि नहीं, यहाँ से आप दुरुस्त कर सकते हैं। वाटर मार्क का भी ऑप्शन है। सबसे पहले आपको दिखा देता हूँ वाटर मार्क क्या है। यहाँ पर मैं वाटर मार्क सेट किया हुआ हूँ अपने चैनल के नाम से, टेक्निकल वरुण पांडे के नाम से मैंने वहाँ वाटर मार्क सेट कर दिया है। इससे क्या होगा, जब भी मैं फ़ोटो कोई क्लिक करूँगा तो उसके साइड बार में टेक्निकल वरुण पांडे लिखा हुआ मिलेगा, और ऐसा देखने से बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है। यहाँ पर नीचे आपको प्रो फीचर का भी ऑप्शन मिला है। प्रो फीचर का ऑप्शन क्या है कि हिस्टोग्राम अप्लाई ओनली टू प्रो मोड पर आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। प्रो मोड कैसे, प्रोफेशनल फ़ोटो आपकी बनेगी यहाँ से, जैसे कि HDR में बनती है। वीडियो रिकॉर्डेशन, यहाँ पर मैं आपको वीडियो के बारे में नहीं बताने वाला हूँ, सिर्फ आपको फ़ोटो के बारे में बताने वाला हूँ कि आपकी फ़ोटो क्वालिटी कैसे अच्छी आएगी। यहाँ पर देखिए आपको कुछ इस प्रकार देखने को मिल रहा है। पोर्ट्रेट का ऑप्शन कुछ इस प्रकार है, जैसे कि मैं अपने हैंड को आगे करता हूँ तो बैक में आप देख रहे हैं ब्लर का ऑप्शन दिख रहा है, ब्लर आ गया है बैक में। तो यहाँ पर आपको इसी प्रकार पोर्ट्रेट का एक रुक्स का निकल के आता है। और साथ में यहाँ पर नाइट सेल्फी का ऑप्शन दिया गया है। नाइट सेल्फी का ऑप्शन ये है कि आप नाइट में भी अपने सेल्फी को बेहतर बना सकते हैं। साथ में फ़ोटो का भी ऑप्शन दिया गया है। फ़ोटो में आपको लेंस के ऑप्शन पर आपको सुपर वाइड एंगल का ऑप्शन मिल जाता है, बोके का ऑप्शन मिल जाता है, सुपर माइक्रो का भी ऑप्शन मिल जाता है। सुपर माइक्रो का ऑप्शन ये है कि आप अपने फ़ोटो को HDR में कन्वर्ट कर सकते हैं, या बैक लाइट सेट कर सकते हैं। ये सब बहुत सारे ऑप्शन दिए जाते हैं सुपर माइक्रो में। बोके का मतलब होता है कि आप कुछ ब्लर कर सकते हैं पीछे, यहाँ से आप घटा बढ़ा सकते हैं ब्लरिंग को। साथ में अब यहाँ पर और भी ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, जो कि ऊपर HDR और यहाँ पर नो HDR का भी ऑप्शन दिया गया है। साथ में आपको फ़िल्टर का भी ऑप्शन दिया गया है, जो आपको बहुत ही बेहतर फ़ोटो क्लिक करने में सहायता करता है। यहाँ पर देखिए इस प्रकार के आपको फ़ॉन्ट दिए गए हैं, जो कि आपको बहुत ज़्यादा बेहतर बनाते हैं। और साथ में बगल में वहाँ पर पोर्ट्रेट लाइट इफ़ेक्ट का भी ऑप्शन दिया गया है, जिस पर आप क्लिक करके पोर्ट्रेट के ऑप्शन पर आप जाकर कुछ लाइट यहाँ पर इफ़ेक्ट सेट कर सकते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर बेहतरीन फ़िल्टर दिए गए हैं, साथ में पोर्ट्रेट लाइट इफ़ेक्ट भी दिए गए हैं। तो मैं आशा करता हूँ आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा वीडियो। वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, जिससे इसके बाद आने वाली वीडियो और भी अच्छी बन पाए और आपके पास बहुत ही जल्द पहुंच पाए। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ एक नए दृश्य में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।